हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ। ये वीडियो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फाइनल आंसर की 2022 के एग्जाम के रिगार्डिंग में है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब कभी भी यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसके बाद एक प्रोविजनल आंसर की आती है और उस प्रोविजनल आंसर की के बाद आपको उसमें चैलेंज करने का मौका मिलता है कि अगर कोई ऑप्शन आपको लगता है जो कि गलत दिया गया है तो उसको लेकर के आप चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर इस कॉलम पर आप देख सकते हैं कि जो आंसर की आई थी खासकर लॉ वालों के लिए वो उसकी डेट एक्सटेंड की गई 26 तारीख तक, 26 तारीख 11:50 के रात तक कि भैया आप आंसर की इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब होगा क्या ये समझिए कि आपने जो आंसर की को चैलेंज किया है जिस भी क्वेश्चन को लेकर के उस पर यूजीसी के द्वारा फिर से क्या किया जाएगा, एक मंथन किया जाएगा और जो चैलेंजेस हैं जो आपने चैलेंज कर रखा है उसको वेरीफाई किया जाएगा कि भाई ये क्या सही है या गलत है। अगर एजेंसी को लगता है कि आंसर की जो उन्होंने जारी किए प्रोविजनल उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं या आपका चैलेंज सही है तो उस आंसर की को रिवाइज करेगा और फाइनली एक आंसर की फिर से जारी करेगा जिसे हम जानते हैं फाइनल आंसर की के नाम से। तो आप अगर मान के चलिए अगर 26 तारीख लास्ट डेट थी तो इसको 4-5 दिन इसको चेक करने में लग जाएगा, 1 या 2 नवंबर तक आपको जो फाइनल आंसर की है वो देखने को मिल सकती है कि भाई फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगी, 1 या 2 तारीख तक आ जाएगी आराम से। और इस 1 से 2 तारीख के बाद तकरीबन 7 से 10 दिन ले लेंगे ये लोग आपका फाइनल रिजल्ट लाने में। क्या चीज लाने में, फाइनल रिजल्ट। तो तकरीबन ये तारीख 10 से 15 के बीच में आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको अपने फाइनल रिजल्ट्स यूजीसी नेट के देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं डेट्स को आपको तवज्जो पे करना है, याद रखिएगा। यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर के आनंद लॉ एकेडमी पर लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ सेशन की क्लासेस चलने वाली है तो अपना एनरोलमेंट जल्द से जल्द करा ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।